अत्तापुर पुलिस स्टेशन रेंज शिमरामपल्ली में कपड़ों के शोरूम में आग लग गई। पीवी एक्सप्रेस वे पिलर नंबर 294 के करीब श्री लक्ष्मी क्लॉथ एंड टेक्सटाइल्स की गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। आग लगने से मुकामी अफराद में खौफ और हरास फैल गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के हकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बास लगी होगी। इमलाक के नुकसान का तखमीना 10 लाख रुपए के लगभग है। अत्तापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। राजेंद्र नगर MLA टी प्रकाश गौड़ ने मुकामी हादसा पर पहुँच कर तफसीलात का जायज़ा लिया। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश नौ न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे श्रीरामपल्ली में कपड़ों की दुकान जल गई है। श्री लक्ष्मी शॉप रविंदर बहुत छोटे बने से बहुत गरीब से आगे बढ़ के अच्छा दुकान को चला रहे थे। मैं बेचारा गरीब बहुत मुश्किल में पड़े हुए। वो शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट शॉर्ट होने से पूरा जल गया। और अब गरीब आदमी कभी ऐसे फिर दुकान में जमाना बोलते बहुत मुश्किल की बात होती। मत ऐसे होना नहीं, ऐसे कभी कभी बहुत जगह देख रहे हैं। कल परसों भी अपने कार्डन में हुआ, यहाँ भी हुआ, ऐसा होना नहीं। ये नहीं हुआ सर का, करंट का अपन भी देख लेना चाहिए। वो करंट का शॉर्ट हुआ सर का दिख रहा। कभी कभी करंट ज़्यादा कम होने से भी ये पूरे वायरस जल जाते, वायरस जल जाने से ये हुआ। और श्रीलक्ष्मी कपड़ों की दुकान है, बहुत तकलीफ की बात है। गरीब आदमी फिर उसको जब जमाना होता बहुत मुश्किल होता। ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ मदद तो हो सकता, कुछ के अगर हुआ तो गवर्नमेंट से कुछ मदद करने लगाएंगे। हम लोग पूरे बस्ती वाले दिन बैठ के क्या करने इनके लिए सोच के उनको भी आगे बढ़ने का सोचेंगे। किसी को तकलीफ 1:30 की कॉल वी मैं 5-10 minutes లో మేము ఇక్కడ వచ్చేసాం. పెద్ద పెద్ద మంటలు ఉన్నాయి. అది ఎట్లా అయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందా ఏందైనా ఇంకా తెలియదు. మేము దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మొత్తం కంట్రోల్ అయిన తర్వాత దాని డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తాము. మంటలు ఇప్పుడు అదుపులో మంటలు అదుపులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు, కొంచెం ఆస్తి నష్టం జరిగింది. దానికి ఆ ఓనర్స్ వాళ్ళతో కనుక్కొని ఎంత జరిగింది, ఆస్తి నష్టం ఏం లేదు తెలుసు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hey, Craig!